खनिज विभाग द्वारा समूचे दमोह जिले में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। विभाग के अधिकारियों द्वारा नदी किनारे जाकर अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिले के हटा में अवैध रूप से लाए गए रेत से भरे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान खनिज निरीक्षक ने पुलिसिया अंदाज में प्राइवेट कार के जरिए चगीजी तिराहा पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे 6 ट्रैक्टरों को पकड़ा। इस दौरान कुछ लोग भागने में सफल हो गए। निरीक्षक ने बताया कि माफियाओं का मुखबिर तंत्र इतना मजबूत है कि वे हम लोगों के आने के पहले ही भाग निकलते हैं। यही कारण है कि वे निजी वाहन से पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। पकड़े गए सभी ट्रैक्टरों को हटा पुलिस थाना में रखा गया है। आज मैं मुखबिर से सूचना मिली थी कि अचंडी जी पे 7 ट्रैक्टर लगे हैं, तो हमने प्राइवेट गाड़ी हायर की और एक योजना बनाई। योजना के अंतर्गत हम लोगों ने कार्रवाई की। मौके से 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। एक ट्रैक्टर पहले ही निकल गया थाने के फोर्स में, 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इनको अवैध परिवहन के तहत जब्त किया गया है। ट्रैक्टर मोहतक निर्देशन के ऐसे लगातार कार्रवाई जारी है। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।